बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आज जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये बात सेपरेटर के बारे में, प्रिंट फंक्शन के अंदर, पाइथन में प्रिंट फंक्शन के अंदर सेपरेटर क्या होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब पाइथन में आप प्रिंट फंक्शन यूज करते हो उसके अंदर जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं वाइट स्पेसेस से। लेकिन अगर इस वाइट स्पेस को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं किसी और कैरेक्टर से, किसी और इंटीजियर से, या जो भी आप रखना चाहें, तो आप इसको कैसे यूज करेंगे, इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पास सेपरेटर्स के, कि आप प्रिंट फंक्शन के अंदर सेपरेटर को कैसे यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है, देखिए आप, ये एक आर्गुमेंट है, ये दूसरा आर्गुमेंट है, ये तीसरा आर्गुमेंट है, ये पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा, तीसरा, तीनों के स्ट्रिंग है ये। इनके दरमियान जब ये प्रिंट हो जाएगा तो आप देखिए इनके दरमियान क्या है, स्पेस है। लेकिन अगर आप स्पेस को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप सेपरेटर का यूज़ करेंगे। सेपरेटर को कैसे यूज़ करते हैं इसका एग्जांपल हम लोग पाईचार में एग्जांपल प्रोग्राम बनाएंगे। एस्केप सीक्वेंस के अंदर हम लोग एक नया फाइल क्रिएट करेंगे, प्रिंट फंक्शन के अंदर एक नया फाइल क्रिएट करेंगे, फाइल प्रिंट पाइथन सेपरेटर प्रिंट एग्जाम्पल देंगे, एप्पल कॉमा ऑरेंज कॉमा जी मैंगो। तो अभी जब आप इस कमांड को रन करेंगे तो एप्पल आउटपुट जो आएगा, एप्पल स्पेस ऑरेंज स्पेस मैंगो। तो आप देखें एप्पल, फिर इसके बाद स्पेस ऑरेंज, फिर स्पेस मैंगो। लेकिन अगर आप इस स्पेस को ख़त्म करना चाहते हैं या इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं किसी और कैरेक्टर से या किसी और इंटीजर से या किसी और स्ट्रिंग से, तो हम लोग यहाँ पे एक और आर्गुमेंट पास करेंगे, इक्वल टू, मैंने अभी इसको ख़त्म कर दिया, यानी अभी स्पेस नहीं आएगा इनके दरमियान, अभी स्पेस नहीं आएगा, रन करके चेक करते हैं। तो देखिए अभी स्पेस जो है वो ख़त्म हो गया, स्पेस को हमने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कोमा लगाता हूँ तो अभी आप देखें आउटपुट में एप्पल में एप्पल कोमा ऑरेंज कोमा मैंगो नज़र आ जाएगा। तो अभी देखें एप्पल कोमा ऑरेंज कोमा मैंगो। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, प्रिंट टारा ट्वेंटी, और सेपरेटर हम यूज करेंगे। वैसे तो अगर हम सेपरेटर यूज नहीं करें तो ये स्पेसेस के साथ आपको अलग अलग नजर आ जाएंगे, 18 स्पेस 12 18 20 20। लेकिन यहाँ पे अगर हम सेपरेटर को यूज करेंगे, सेपरेटर ये यूज करना चाहेंगे, तो यूज होता है कि नहीं होता। तो देखिए अभी क्या हो गया, 18 बैक स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश, 12 फॉरवर्ड स्लैश, ये आप कोई भी रख सकते हैं। आप ये डैश रख दें तो आप आउटपुट पे आपको डैश नजर आएगा, 18 डैश। तो सेपरेटर जो है क्या करता है, हर आर्गुमेंट को और ऑब्जेक्ट को सेपरेट करता है जो भी आप इसको प्रोवाइड करते हैं। एक और एग्जांपल, प्रिंट gmail.com, और यहाँ पे हम लोग सेपरेटर लगाएंगे, सेप इक्वल टू एट द रेट। तो आप देखें मोहम्मद पहला आर्गुमेंट, फिर सेपरेटर आपके पास एट द रेट है, तो यहाँ पे क्या आएगा इनके दरमियान, एट द रेट आ जाएगा, फिर जी मेल। अगर आप एक और आर्गुमेंट देते हैं जस्ट,
तो अभी क्या होगा, फिर gmail.com के बाद फिर @ आएगा, फिर जस्ट आर टेस्ट एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए मोहम्मद मोहम्मद आ गया, फिर यहाँ पे सेपरेटर के लिए @ आ गया, फिर जीमेल, फिर इन दोनों के दरमियान जो सेपरेटर होगा, फिर @ आ गया जस्ट आ टेस्ट। तो ये आपके पास सेपरेटर इस तरीके से काम करता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे हमने। थैंक यू वेरी मच। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह।